दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एक छोटे फार्मर हैं लेकिन बहुत ही शानदार वर्क कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुग्रीव माझी है। और जोर से बोलिए। सुग्रीव माझी। सुग्रीव माझी, एक आप दूध जो है कब से डेयरी फार्म कर रहे किए हुए हैं, कितने साल हो गए? जोर से थोड़ा बोलिए। 85 से डेयरी फार्म किए हुए हैं। हाँ। ये गाय पालने का शौक था आपको या फिर कोई बिजनेस अलग काम करते करते काम करने का इच्छा जागा? ना, हम शौक से पाला तरीके से। अच्छा, शौक से पाला। ये फिर आपने कैसे ज्यादा दूध देने वाले गायों के ऊपर कैसे सोचा कि हमें मतलब ज्यादा दूध देने वाली गाय रखनी है या इसमें करियर या आगे बढ़ना है परिवार का, या डेयरी फार्म टाइप पे जो छोटा सा आपने फार्म बनाया है, तो क्या आप सोच करके इसको कैसे आपने चाहा कि इसको आगे बढ़ाना है, क्या सोचा आपने? सर, लड़का बच्चा के लिए धरिए बाहरी कमाई से नहीं चल रहा है, तो सोचा कि हम एक दो चार गाय रख लेंगे। मतलब घर पर रह करके? हाँ। अपना जो है 2-4-10 गाय रहेंगे, बच्चे रहेंगे। हाँ। और वो जो है इसी बहाने अपना इंगेज भी रहेंगे। हाँ। और कुछ इनकम भी हो जाएगा और गाय का सेवा भी हो जाएगा सर। तो ये गाय आपकी जो है ये कहाँ से आपने परचेज की है? हाँ, तो सर हम पहले एक मदार घाट बोल के बोलता है, वहाँ से गाय ले आया था। मदार घाट से। अच्छा, बहुत अच्छा। आपने मदार घाट से इन्होंने गाय लिए, कितने लीटर दूध देती है गाय? एक गाय धरिए ये वाले तो बच्चा देने पर 12 लीटर दूध देती है। अच्छा, बच्चा देने के बाद 12 लीटर ये गाय दूध देती है। और लग रहा है साहिबाल क्रॉस ब्रीड गाय है, और वो भी जो है इसके बाद वाला भी जो गाय है वो साहिबाल ही है, साहिबाल क्रॉस ब्रीड ही गाय दिख रही है। तो ये जो है ये गाय आपने कहाँ से लाई? ये गाय घर का है। इनका कै लीटर दूध देती है? इसके पास 10 लीटर दूध है। 10 लीटर। हाँ, तो ये आपका कैसा इच्छा, मतलब वो मन में जागा कि इन गायों को जो है बच्चों को थोड़ा डेवलप तरीके से तैयार किया जाए? और क्या खाने में देते हैं इसको? खाने में तो गाँव का डलिया देता है, फिर चापर से चोकर देते हैं। अच्छा, गेहूँ का दलिया और चापर का चोकर देते हैं? हाँ, गेहूँ का चोकर। अच्छा, इसके बाद इन बच्चों का देखभाल आप ये जो ये देखिए इनका ये हरा घास देते हैं, और बच्चे हैं और ये हरा घास है, ये काट के ले आते हैं और खिलाते हैं, हरा घास काट के ले आते हैं। और ये इनका जो है डेयरी फार्म है, बहुत छोटा सा फार्म है, देख सकते हैं ऐसे करकट का बना हुआ है। और ये इनका शौक था, और एक तरह से घर में जो है बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगा और इनकम का स्रोत बना रहेगा। अपने दूध का डिलीवरी भी करते हैं। और कैसा क्या इच्छा करता है आपको काम करके, कैसा महसूस होता है, कैसा महसूस होता है आपको काम करके? काम करके अच्छा लगता है सर, टाइम पास भी हो जाता है, कुछ कमाई भी हो जाता है। तो इसके साथ जो है इनको कितने बार आप पानी पिलाते हैं इन गायों को दिन भर? दिन में 3 बार धरे चापर देकर पानी देते हैं। 3 बार आप पानी देते हैं? सुबह 12 बजे, शाम को। हाँ। गर्म पानी में? गर्म पानी सुबह, दोपहर, शाम। एक टाइम गर्म देते हैं, दो टाइम ठंडा देते हैं। आपको कहाँ से बिलोंग करते हैं, आसाम से या बिहार से? हाँ, बिलोंग मतलब पहले कहाँ घर आप? बिहार में है घर। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप इसमें आगे बढ़े।